यहां छोड़ के जाना है, जबरदस्ती छोड़ के जाना है, कोई अठन्नी तो ले जाके दिखा दे। तो आत्मदेव रोने लगे। वहीं गोकर्ण महाराज मिले, उन्होंने पिता की जब ये दुर्दशा देखी तो बोले अब आप छोड़ो ये सारी माया, अब आप नारायण को पकड़ो। बस वहीं गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, पुकारने लगे वहीं जंगल में, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले वाके बिहारी लाल की। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, चले आओ, गोपाल चले आओ। शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, या हमको बुला लो तुम या खुद ही चले आओ, दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन
मिट्टी से पोषित एक बनावटी व्यक्ति है, उसमें धर्म का अंश भी नहीं है, मृदुता विनम्रता सहजता तो खोज में नहीं है। वो अपनी गति को प्राप्त हुआ, उसकी इंद्रियों ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि वो सहज रूप से काल का ग्रास बन गया। बड़े सहज रूप से काल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसे लेने में, इंद्रियों ने अपनी शक्ति खो दी, इंद्रियां शिथिल हो गई, अत्यधिक सुखों का पान किया गया। जो मूल रूप से सुख नहीं थे लेकिन सुख समझ के पिया गया, प्रेत बने। एक दिन धुंधकारी घर आए तो वहां तरह तरह की चित्र विचित्र बातें करने लगे। बोले, मैंने तेरे श्राद्ध किए हैं, तर्पण किया है, नियम से तेरा सब कार्य किया है, तू प्रेत कैसे बन गया? बोला कि मैं महापापी हूं, हल्के फुलके इन सब उपचारों से मुक्त होने वाला नहीं हूं, मैंने जघन्य अपराध किया है, मैं बुद्धि की संतान हूं। बुद्धि सदैव आपको श्रेष्ठ फल नहीं देती, लेकिन धर्म मिश्रित हो जाए, जैसे भोजन तृप्ति देगा, पेट भर देगा, लेकिन प्रसाद कहीं मिल जाए तो मन आत्मा चित्त चैतन्यता सबको तृप्त कर देता है। गोकर्ण महाराज ने बहुत चिंतन किया क्या किया जाए। सूर्य भगवान के संकेत से उस तत्व को कथा सुनाई, उस तत्व को जो चैतन्य है, उस तत्व को कथा सुनाई तो धुंधकारी वही मुक्त हो गए। तो मैं ये बात कह रहा था कि ये कथा जिंदों को केवल उद्धार नहीं करती, ये मरे हुएओं का भी उद्धार कर देती है, क्योंकि इस कथा का असर वहां पे है, वहां असर करती है। कैसा प्रचंड ज्ञान का प्रवाह रहा होगा, कैसा वेग आवेग रहा होगा कि धुंधकारी बांस की पंगुली में बैठा और वैष्णव जन उसे लेने आए, विष्णु के पार्षद लेने आए। तो इस कथा का प्रभाव केवल मृत्यु लोक में नहीं है, इसके आगे भी यदि कोई गति है, ये आपके पूर्वजों को वहां वहीं जहां उनकी गति है, वे जहां हैं वहीं उन्हें फल देने वाली है।